क्या नक काटता हूं। चलो आराम से पीस हो गया। और ये पैर के हिस्से से ऐसे ऊपर नीचे करके करोगे तो आराम से हो जाता है। अब धीरे धीरे ये फ्राई होते रहेगा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 5th September 2021 और आज है संडे और मेरे चैनल का नाम है आरडी द रैम्बो बॉय। तो जैसा कि आपने कल लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे, सुबह मतलब जो 4th September को जो मैंने लास्ट कल बनाया था, एक सुबह फिश का, दूसरा शाम को मटन का, होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो अब जैसा प्रॉमिस किया था कि फाइनल लास्ट एंड फाइनल वीडियो यानी कि चिकन के ऊपर, चिकन कटिंग प्लस चॉपिंग और उसके बाद उसकी कुकिंग जो है वो मेरी मदर प्रिपेयर करेगी, वो सारे मर्ज करूंगा जैसा लास्ट 2 वीडियोस में किए। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि है मेरा चॉपिंग बोर्ड और स्पेशल मेरा चॉपिंग नाइफ, कटिंग और चॉपिंग नाइफ, और ये रहा चिकन, ये देखो इसके जो ऊपर का जितना भी है, ऊपर का ये खाल वगैरह सारा हटा के और इसके अंदर चिकन का जितना भी गंद वगैरह है वो सारा पहले जैसे कल कहा था क्लीन करवा के लेके आ गया था मैं। अब कटिंग इसकी करूंगा मैं, क्योंकि मैंने ये स्पेशल चॉपिंग ब्लेड मंगवा रखा है, मतलब कि स्पेशल मंगवाया था बाजारों से। और साथ में ये तो है ही फाइल, इससे मैंने देखो आज पहले ही धार लगा लिया और बाई चांस धार बीच में कम हो जाती है जैसे कल हुआ था, तो ये फाइल तो है ही, इससे धार लगा लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारा रख लिया मैंने, तो पहले इसका नेक क्या नेक काटता हूं। आराम से पीस हो गया। और ये पैर के हिस्से से देखो आसानी से कितना अच्छा पैर का पीस आया, बड़ा वाला, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये देखो कितना बढ़िया है, एक एक करके यहां पे रखता रहता हूं कटिंग कर करके। ठीक उसी तरह यहां से ये इसका ज्वाइंट है, ज्वाइंट होता है यहां पे, हल्का सा मारो तो आराम से कट जाता है। ये देखो आसानी से कट गया। उसी तरह इसका भी शेप देने के लिए ये देखो कट गया, इसका पीस आ गया। अभी चिकन विंग्स जिसे कहते हैं जो ब्रेस्ट साइड से होता है, कट गया, इसको भी दो टुकड़े कर दूंगा।
देखो आराम से आ गया। ये बिना स्टेप पॉसिबल ही नहीं है करते। एक हो गया, दूसरा भी निकाल लेता हूं। इसको भी इस पे आया और ये वाला टट्टी होता है, इसको बीच में से काटते हैं। ये इसका हार्ट और लंग्स वगैरह है, ये देखो ये सारा। तो इसको आराम से छोटे चाकू से आराम से काट लो। ये देखो आराम से आ गया। ये सारा ये इसका वो है जो लीवर वगैरह होता है, ये सारा एक साइड रख देते हैं। और मेन मेन चीज है, इसको भी ऐसे अंदर से थोड़ा साफ कर लेता हूँ पहले। देखो कितना आसानी से कट गया। देखो इसको भी दो टुकड़े कर देता हूँ। ये एक बार पीस ये हो गया, आसानी से ये काट रहा है। देखा ये पूरा ब्रश साइड निकला, इसी में से इसी को काट के इसी में से कीमा निकालूंगा बाकी कीमा के लिए। इसको छोटे वाले से कट देता हूँ, डाल देता हूँ। ब्रश साइड वाला फैट वो होता है, उसी में कीमा आराम से बनता है। तो ये सारा आराम से निकाल दिया। ये देखो देख सकते हो आप, कीमा के लिए पीस निकाल लिया और इसका बाकी हिस्सा। तो अब जो बाकी है इसको कीमा बनाता हूँ। और चॉपिंग बोर्ड अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप देख ही रहो गंदा हो गया। एक और मेरे पास प्लास्टिक का है, एक वो लेके आता हूँ, प्लास्टिक या दूसरा एक पत्थर का है, देखता हूँ जो भी फ्री होगा। अभी फिलहाल क्योंकि मदर फिलहाल किचन में काम कर रही है, तो जो भी फ्री होगा वो लेके आता हूँ और इसको फिलहाल धोने के लिए रख देता हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये कीमा बनाने के लिए जो मोटे मोटे पीसेस है जो निकला था ब्रेस्ट मीट में से और बाकी जो पतले पतले थे उसको साइड में रख दिया ताकि इसका कीमा बना सको आराम से। और जो बड़े बड़े पीसेस काटे थे निकाल के ये इनमें छेद कर दिया, इसमें मैरिनेट करके रख दूंगा ताकि इसकी चिकन करी बने। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कीमा बनाना, स्टार्ट करते हैं। तेज हाथों से जोर जोर से करना है। लक्कर के बोर्ड में फायदा यह है कि कोई भी चूरा इसके अंदर जाएगा नहीं, जो पत्थर वाले पे या प्लास्टिक वाले पे करने में चांस रहता है जा सकता है। ऐसे ऊपर नीचे करके कर देता आराम से रहता है। तो फाइनली कीमा बन गया। तो चलो मिलते हैं जब मेरी मदर चिकन करी डिश बनाएगी। और बाकी इन सबको मैं मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर ढाल के रखूंगा। ओके मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो ये बॉक्स ले आया मैं, टिफिन बॉक्स, इसके अंदर कीमा को रख दूंगा मैरिनेट करके। तो चलो सबसे पहले मैरिनेट का सामान तैयार कर लेता हूँ। ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और धनिया का पाउडर, इन सबको डाला इसके अंदर, दही के ऊपर डाला, डाल के इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिला के मैरिनेशन से तैयार हो गया। तो पहले तो कीमा बना उसको डाल देता हूं अंदर, डाला कीमा, देखो कीमा डाला, अब इसके ऊपर एक चम्मच मैरिनेशन का पेस्ट डालता हूँ, काफी है, एक चम्मच बहुत होता है, कीमा ज्यादा नहीं है तो इतना ही काफी है। अच्छी तरह से दबा दबा के ताकि पूरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसको वैसे अगर खाना चाहते हो तो कम से कम इसको ऐसे मैरिनेशन करके इसको आप बाहर ही कम से कम बिना फ्रीज के, फ्रीजर के आधे घंटे तक इसको बाहर ही रख दो कुकिंग करने से पहले, मतलब कि ढक के, जैसे मैं बॉक्स लेके आया ऐसे ढक के बाहर रख दो और आधे घंटे बाद कुक करो तो हो जाएगा। वैसे फ्रीज के अंदर डीप फ्रीजर में रख दोगे तो आराम से एक हफ्ता दो हफ्ता भी खा सकते हो। उसी तरह से इन पीसेस को जो मैंने कट लगाए थे उनको डालता हूँ पहले अंदर। बाकी का तो मैरिनेशन पेस्ट है इसको डालता हूं अंदर, अच्छी तरह से इसको जोर जोर से इसको मिला दो, मिल जाएगा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। और लास्ट में लिवर इसको भी रखो, इसको रख के अब मैं इसको फ्रीज के अंदर, फ्रीजर के अंदर डाल दूंगा और आराम से जितना खाना होगा उतना निकाल के खाऊंगा और बाकी डीप फ्रीजर के अंदर बाद में इसके बाद डीप फ्रीजर के अंदर रख दूंगा ताकि आराम से एक हफ्ता खाता रहूं, क्योंकि ये एक किलो से ज्यादा है। तो चलो जब कुकिंग का टाइम आएगा, जब मेरी मदर कुक करेगी तब मिलते हैं। ओके, वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल आरडी धर्मबुबे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपना काम पूरा फिनिश कर लिया, चिकन की क्लीनिंग से लेकर कटिंग तक सब हो गया और मेरे पीछे आप देख सकते हो किचन पूरा सेट हो गया, बाकी जितना भी ग्राइंडिंग वाइंडिंग जो भी मसाले पीसने का काम भी सारा डन है। अब मेरी मदर आएगी और चिली चिकन, और चिकन में जो चिली यूज की जाएगी वो है कैप्सिकम, और जिसका नाम है चिली चिकन करी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते और अब मेरी मदर आएगी और कुकिंग का काम स्टार्ट करेगी। लेट्स स्टार्ट। आज की डिश है चिली चिकन। ये चिकन ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा है। चिली चिकन में ये सब चिली, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कुछ हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब की जरूरत है, और नमक, हल्दी, मिर्च और खड़ी गरम मसाला। तो मैं अभी प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। तो चलो जब तक सारी प्रिपरेशन होती है और कुकिंग का काम स्टार्ट होता है तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और हाँ, आज है 5 सितंबर
2021 और हाँ मेरा चैनल का नाम है आरडी द रैम्बो बड़ी। आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, मगर हाँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये छोटी शिकायत है, अभी सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके तो चलो, तेल डाल दिया, जब तक ये तेल गरम होते रहे तब तक मैं, ये चावल की आटा है, चिकन को थोड़ा कवर करके हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। थोड़ी पानी डाल के इसको तो ये पेस्ट अब रेडी हो गया चिकन की कोटिंग के लिए। तो चिकन के पीस जो है, जो मैंने पहले काट के मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो अब इसको चलो जब ये फ्राई हो जाए और बाकी जब करी और कड़ी, हिंदी में कड़ी बोलते हैं, बाकी पूरा इंटरनेशनल में कड़ी बोला जाता है, जब कड़ी प्रिपेयर करने का टाइम आएगा तब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये उठा के सजा दे दिया, एक दालचीनी की टुकड़े, दो चार इलायची खड़ी मसाला इसमें डाल देते। इसके बाद ये प्याज को अच्छी तरह भून लेते हैं। यह कड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, चिकन करी, शिमला मिर्च चिकन करी। चिली चिकन, हाँ जिसको नाम दिया जाएगा चिली चिकन, देखा ये प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहना। अब ये गोल्डन कलर, हल्का गोल्डन कलर हो गया, अब इसमें बाकी मसाला मिलाते हैं। ये प्याज की पेस्ट है, ये टमाटर की पूरी है, ये अच्छा पेस्ट और टमाटर प्यूरी मिला दिया गया। अभी इसमें मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो, ज्यादा तीखा पसंद करने वाले ज्यादा डाल दो। चिली चिकन, हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ी नमक। मसाला को अच्छी तरह भून लेना। मसाला भूनने से मसाले का स्वाद अच्छी तरह से चिकन के डिश में एब्जॉर्ब हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।
इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा धनिया पाउडर डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मिक्सी के थ्रू हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया था, और थोड़ा अदरक वगैरह और जो भी वो सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें चिकन डाल दे रही हूँ। सारे बस इसको अब अच्छी तरह से कड़की के थ्रू मिला दिया जा रहा है। अब इसके बाद शायद फाइनल हम शायद पानी डालने का ही रह जाएगा। अच्छा, ये कैप्सिकम तीनों डाल दिया। चलो बस अब ये करने के बाद पानी डाल के तली इसकी बन जाएगी। और लगता है जब फाइनली डिश को गार्निशिंग करके और प्लेट में सजाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप मेरे चैनल आरडी द रैम्बो ऑडी में देख सकते हो और होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। पीछे ये मेरी मदर जो है कुकिंग कर रही है और जो तरी है इसको पानी में डाल के स्लो कुकिंग के लिए छोड़ दिया। अब ये टोटल 40 मिनट्स तक आराम से गैस के नॉब को धीमी आंच पे करके इसको स्लो कुकिंग के लिए ढक दिया। ये देखो पीछे, और ये अपना 40 मिनट तक स्लो कुकिंग में कुक होता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो इसका मीट है मतलब चिकन जो है अच्छे से गल जाएगा और मसाले भी उसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और स्वाद जबरदस्त आएगा। तो चलो मिलते हैं 40 मिनट बाद। ओके, तैयार हो गया। अब बाकी कुछ हरी मिर्च और धनिया इसके ऊपर से सजा देते हैं। 40 मिनट के स्लो कुकिंग के बाद अब फुल अब मीट एकदम गल गया और अब धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दी गई है। बस अब प्लेट में डाल के सजा देंगे। जब तली बनती है तो आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, जैसे कि इसको मैं चावल के साथ खाऊंगा। और बाकी अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हो तो बस तली थोड़ी सी कम ले लो, तो आप रोटी के साथ आराम से रोटी या ब्रेड जो भी आपको पसंद है उसे खा सकते हो। तो ये बन गया चिली चिकन। ये सारे कैप्सिकम के पीसेस है। और बाकी तरी चावल के साथ और ब्रेड और रोटी के लिए तरी थोड़ी सी कम डाल दो। तो ये तैयार होगी डिश। तो जैसे कि आप देख सकते हो चिली चिकन डिश मींस चिली है वो है कैप्सिकम, और चिली चिकन डिश फाइनली पूरा अब तैयार हो गया। वीडियो ईट है, होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। और मेरे चैनल का नाम है आरडी द रैम्बो बड़ी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ओके, होप यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। माय चैनल नेम इज आरडी द रैम्बो बड़ी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Nothing I can